लॉकडाउन विधानसभा के रिखड़ीखाल विकासखंड का सुंदरौली गांव घरवासियों प्रवासियों और एक समाज सेवी दीनबंधु बलोधी के प्रयास से सड़क से जुड़ने जा रहा है। सरकार और स्थानीय विधायक दिलीप सिंह रावत 10 साल से इस क्षेत्र के विधायक हैं। उनसे बार बार सड़क की मांग करने के बावजूद भी इस गांव को 2 किलोमीटर सड़क नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने तय किया कि सड़क गांव तक पहुंचनी चाहिए। सड़क को बनाने में उनकी मदद इस क्षेत्र के एक समाज सेवी दीनबंधु बलोधी ने की और जनशक्ति रोड पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। गांव सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है और आपने बोला कि आपको इसमें सरकार ने कोई मदद नहीं की, क्या फील हो रहा है इस समय गांव में आप लोगों को इस सड़क से जुड़ने पर? हमारे को इस सड़क से जोड़ने का बहुत बढ़िया वो हो रहा है कि हमारे खुशी हो रही है कि दीनबंधु भाई ने हमारा इतना सहयोग किया है कि जो हमारे गांव तक ये मतलब रोड पहुंचाने का उन्होंने सहयोग दिया है। हमारे ग्राम सभा, हमारे गांव वाले, हमारे महिला मंगल दल, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिसमें कि हम लोगों ने ये जुट होकर मतलब जो इस रोड का जो है वो कर रखा है। हमने जो है आज तक मतलब जो है बहुत अप्लीकेशनें दी, हमारा अप्लीकेशन जो है कभी भी कामयाब नहीं हुआ। इसलिए जो है हम मतलब जो है कि अपने ग्रामवासियों को और महिला मंगल दल को और दीनबंधु भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस बात की खुशी है कि हमारे गांव में सड़क आ रही है और हमारे जेंट्स लोग थक गए पिनस लाते लाते यहाँ ऊपर। कभी कुछ दुर्घटना होती है, हमें बहुत परेशानी आती है, इसलिए हम इस कुछ सड़क से बहुत खुशी है। जी धन्यवाद ग्रामीणों का, क्योंकि उनका भी मुझे सहयोग मिलता रहता है। सिंदरौली नहीं, मैंने तो पिछले 4-5 साल पहले तोलूडाड़ा एक दूरस्थ क्षेत्र था, एक बार मैं भ्रमण में गया था तो बड़ी दिक्कत थी उन लोगों को वहाँ पर सड़क की, तो मैंने अपने संसाधनों से निःशुल्क उनके लिए यातायात के लिए सड़क का प्रयास किया और मैं प्रयास में सफल भी रहा। उसके बाद वड्डा रहतोली सरवाना डंगू महादेव के लिए भी अपने निजी स्रोतों से ग्रामीणों की मदद से मैंने सड़क का निर्माण कार्य करवाया है। और अब जबकि सिंदरौली में ये सारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं, ग्रामीणों का भी सहयोग मिला, उनकी आशा भी थी और जिला पंचायत में उन्होंने मेरी बेटी को बड़ा सहयोग भी दिया है और बहुत समय भी ऐसी उम्मीद है कि वो लोग सहयोग प्रदान करेंगे। बाकी रही क्षेत्र में सड़कों की बात, तो सरकार की तरफ से तो कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा है, तो मजबूरी में ग्रामीण अपने संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सिलवेड़ी मंसकोला किंग गाँव है, हमारे यहाँ पर नज़दीक गाँव एक बल्ली है, उधर मजाड़ी एक गाँव है, बहुत सारे गाँव हैं, मंजली है जहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुँच पाई है और ग्रामीण बड़े परेशान हैं। इसी श्रृंखला में आपने सुना होगा पहले बनगढ़ गांव एक बहुत दुरस्त गांव है, वहां पे बहुत सारा मतलब ऐसी घटनाएं हुई, वो लोग आंदोलित भी थे और बहुत उन्होंने प्रयास किया मगर अभी भी वो ग्रामीण जो है सड़क और यातायात से वंचित है, वो बड़े दुखी हैं। तो प्रयास करेंगे कि भविष्य में भी उनके लिए भी कुछ किया जा सके। पहले तो हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार से हम ये चीज़ें मांगें, गुहार लगाएं और सरकार कहें कि भाई इस पर पैसा और बजट इत्यादि की व्यवस्था करें। यदि ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो ग्रामीण और हम सब मिलकर क्षेत्रीय लोग आपसी भाईचारे से और सहयोग से ये सारे काम करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।